एवरीवन, वेलकम बैक टू कांशा क्लासेस। स्वागत है आप सभी का कांशा क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जी हाँ दोस्तों, टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के टॉपिक के, जो आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी में आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे साइंस के फिजिक्स टॉपिक से। सबसे पहले फिजिक्स सब्जेक्ट मैंने लिया है। ऑलमोस्ट मैं आपके 2 से 4 वीडियोस में 200+ क्वेश्चंस यहाँ कवर करने वाली हूँ, मीन्स 150+, अराउंड 200 क्वेश्चंस हम यहाँ कवर करेंगे। सो यहाँ इस वीडियो में हम लोग 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जहाँ कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट होते हुए देखेंगे। सो गाइज, स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कीजिएगा जितना हो सके मैक्सिमम। बेल नोटिफिकेशन पे बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, सो दैट आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को, साइंस के टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चंस को हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल्सियस जो होती है वो टेम्परेचर की यूनिट होती है, हीट की यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, यानी आप बोल सकते हो फोर्स न्यूटन में मेजर किया जाता है, न्यूटन में होता है फोर्स, ठीक है। वर्क डन जो होता है आपका जूल में होता है, और इम्पल्स जो होता है न्यूटन पर सेकंड होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, Which of the following pair of physical quantities have the same dimensions? तो यहाँ पे same dimensions की बात हो रही है, और आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो option D है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे correct हो जाएगा, क्योंकि work और power जो होती है आपकी, work और energy, specially work और energy दोनों की dimensions क्या होती है, दोनों के dimensions same होती है, तो option D यहाँ पे correct answer हो जाएगा। Next हम देखते हैं question number 4 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट आपको दे रखा है, आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। थ्री वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव अ नल वेक्टर। दूसरा है, जो टोटल पाथ लेंथ है वो ऑलवेज इक्वल होती है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल के। तीसरा दे रखा है, जो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो मैग्नीट्यूड होता है TIR वेक्टर का, वो ऑलवेज क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। एंड लास्ट वन इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकेंड और जो फोर्थ आपका ऑप्शन डी है यहाँ पे, वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को हम करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, द डायमेंशन एक्सेलरेशन एमएलटी माइनस टू करेस्पॉन्ड्स टू। तो यहाँ पर गाइज आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कि एमएलटी माइनस टू आपकी किसकी डायमेंशन होती है, फोर्स की होती है, क्योंकि फोर्स हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास का जो आपका नोटेशन होता है वो एम से, कैपिटल एम से डिनोट होता है, और एक्सेलरेशन एलटी माइनस टू होता है। ओवरऑल मिला के एमएलटी माइनस टू बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6, एक पैसेंजर इज मूविंग इन अ ट्रेन टॉसेस द 5 रुपी कॉइन, इफ द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम, उसके जस्ट पीछे जाता है, देन द ट्रेन मस्ट बी मूविंग विद द यूनिफॉर्म। अगर उसके पीछे गिरता है तो ट्रेन यूनिफॉर्म किस से घूम रही होगी, आपको बताना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रेन आपकी मूव करिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्सन स्टैंडिंग एट द मिडल ऑफ अ वर्ड लेडर एंड विच स्टार्ट स्लिपिंग बिटवीन, एक वर्टिकल वॉल और फ्लोर के बीच में वो एकदम से गिरने लग गई, स्लिपरी हो गई, वाइल कंटिन्यूइंग टू रिमेन इन अ वर्टिकल प्लेन, द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पर्सन स्टैंडिंग एट द मिडल ऑफ द स्लिपिंग
लेडर इज वॉट, वो कैसा पाथ कवर करेगा, वो एक सर्कुलर पाथ कवर करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. द स्लोप और वेलोसिटी, टाइम ग्राफ कैसा स्लोप होता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9. फॉर अ बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो क्या होता है गाइज, यहाँ पर जब भी बॉडी आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूमती है और साथ ही साथ उसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, देन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है वो नॉन लीनियर होता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एन आयरन बॉल और अ वुडन बॉल, यानी एक आयरन की बॉल और एक वुडन की बॉल आपने सेम रेडियस की रिलीज की सेम हाइट से वैक्यूम में, एंड द टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ दीज टू रीच द ग्राउंड इज ऑलमोस्ट, क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड द एंगल ऑफ रिपोज, ये बेसिकली क्या होता है गाइज, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज दे आर इक्वल टू ईच अदर. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है, एन एथलीट runs before long jump to get an advantage on, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडवांटेज किस चीज का मिल जाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन का, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है रेलवे ट्रैक आर बैंक्ड ऑन द कर्व, कर्व पे क्या है, हमेशा रेलवे बैंक ट्रैक्स को बैंक करके बनाया जाता है, किनारे पे बनाया जाता है, जस्ट बिकॉज ड्यू टू द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो ट्रेन का वेट होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14. सो व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर टेंड्स टू लीन फॉरवर्ड, आपने बहुत बार नोटिस भी किया होगा कि जब एक रनिंग कार एकदम से स्टॉप होती है तो जो पैसेंजर होता है वो आगे की तरफ जाता है, और वो क्यों जाता है, उसके पीछे रीजन होता है, और वो क्या रीजन होता है गाइज, यहाँ पर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या होता है, वो पर्सन आगे की तरफ मूव हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, सॉरी नॉट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यहाँ पर इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका गाइस क्वेश्चन नंबर 15 है, अ गोलकीपर इज इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शूट एट द गोल, दिस इनेबल्स द गोल कीपर टू, तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, दिस रिड्यूसेस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट, क्या करेगा, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट के साथ इनर्शिया क्या करता है, इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की. सो गाइज ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है, ये assertion और reasoning based आपका question है, जहां पर आपको एक assertion दिया होगा उसके basis पे आपको reason check करना है कि is the reason are correct or not. तो यहाँ देखिए, in each of the following questions a statement of assertion is given followed by a corresponding statement of reason, one of the statement mark the correct answer as. So first है if both the assertion reason true है और reason correct explanation आपके assertion का, ऑप्शन बी है assertion reason true तो है बट reason correct explanation नहीं है आपके assertion का, सी है assertion true है reason false है, और ऑप्शन डी है assertion और reason दोनों ही false है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से. सो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए हमें दे रखा है कि फोर्स ऑलवेज डू अ वर्क, फोर्स कभी भी वर्क नहीं करता है, तो ये assertion तो गलत हो गया. रीजन देखते हैं, वर्क इज डिफाइंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट कॉज बाय The force. तो force की वजह से नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हो गए, assertion और reason. तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 18 है, on a rainy day, it's difficult to drive a car or a bus at a high speed. आप जानते हैं कि बारिश के टाइम पे जब बस और कार को मूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, then the reason is कि जो वैल्यू ऑफ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि सरफेस क्या होता है, गीला होता है, वेट होता है. सो यहाँ पर आपका जो assertion है वो reason है, जो दोनों ही true है, और जो आपका रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी assertion का, तो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन अ बाइसिकल इज इन मोशन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द टू व्हील्स इज ऑलवेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन,
यहाँ पे assertion true है आपका, the frictional force acts only when the bodies are in contact, आपका reason भी true है, but जो reason है यहाँ पर mention है guys वो एक correct explanation नहीं है आपके assertion का, तो यहाँ पर option भी आपका correct हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 में मैच के फॉलोइंग है स्टैटिक फ्रिक्शन. देखिए क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली. चलिए मैं आपको मैच करके ही दिखा देती हूँ यहाँ पे. सो स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमारा होता है वो यहाँ पर होता है एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है. ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा सीरीज करती हूँ आप इसको. ये लाइन हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये आपका सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स हो गया. ठीक है, डायनामिक फ्रिक्शन आपका क्या होता है गाइस? डायनामिक फ्रिक्शन स्लाइटली जो लेस होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन के. ठीक है, तो यहाँ से इसका ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा. और सी है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है आपका? इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है. और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन आपके इक्वल होता है एंगल ऑफ रिपोज. तो ये इस तरीके से आपको मैच करके बता दिए. तो यहाँ पर जो आपका जो ऑप्शन है वो गाइज ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे. होप सो आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा गाइज. अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से जो ये जो क्वेश्चंस हैं ये गाइज काफी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एग्जाम में डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस इसमें देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा. एक से दो बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस याद भी हो जाएंगे. सो गाइज 21 क्वेश्चन देखिए हमसे क्या बोल रहा है. 21 नंबर का क्वेश्चन है, कंसीडर अ व्हीकल गोइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड. ठीक है, मान लिया एक व्हीकल हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट. नेग्लेक्ट करने में फोर्स जो एयर के थ्रू लग रहा है, द फ्रिक्शनल फोर्स व्हीकल पे किस साइड लगेगा? जब व्हीकल आपका ईस्ट में जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स पे आपका कहाँ लगेगा? ऑब्वियसली बात है वो भी ईस्ट में ही लगेगा. तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 22 पे. एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी डिक्रीज होती है. किस वजह से डिक्रीज होती है आपकी? देखिए जब हम ऊपर जाते हैं व्हेन वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ डिक्रीज होगी. ठीक है, नेक्स्ट है आपका द रोटेशन स्पीड. जो अर्थ की रोटेशनल स्पीड अगर इंक्रीज करेगी तो अर्थ की ग्रेविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. एंड वी गो डाउन द सर्फेस ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर, तब भी क्या होती है? हमारी जो अर्थ की ग्रेविटी है वो डिक्रीज हो जाती है. तो यहाँ से ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 आपका है मैच द फॉलोइंग, जहाँ पे आपको मैच करना है. देखिए तब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वेट ऑफ द बॉडी है इसे भी मैं आपको मैच करके दिखा देती हूँ, सो दैट आपके लिए इजी हो जाए कि जो वेट ऑफ द बॉडी है वो मैक्सिमम कहाँ होती है. यहाँ पे सरफेस पे होती है, तो इसका ऑप्शन जो थ्री है ए का थ्री हो जाएगा. वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीज कहाँ पर होती है? ये आपका हो जाएगा विद इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. यहाँ पर बी का फर्स्ट हो जाएगा. वेट ऑफ द बॉडी इंक्रीज करके यहाँ पे इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा. एंड वेट ऑफ द बॉडी इज जीरो, यानी ये नल पॉइंट होता है. तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ ऑप्शंस की, तो जो हमारे ऑप्शंस है वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? यहाँ देखिए ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 हमारा फिनिश हो गया. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की. व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू द मून, एक बॉडी को अर्थ से मून पे ले जाया जाता है, तो एग्जैक्टली गाइस क्या होता है यहाँ पे? वेट जो होता है वो चेंज होता है, बट मास जो होता है वो सेम रहता है. तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे लास्ट और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की. ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा. लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल सो दैट आपको जो नोटिफिकेशंस है बेल आइकन के थ्रू वो मिलते रहे, और नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगा सो आप उसे भी देख पाए और उसे भी
लॉन कर पाए क्वेश्चंस को. चलिए 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, मैन इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील्स वेटलेसनेस. आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जब एक मैन एक इंसान जब उसमें होता है तो वो वेटलेसनेस की कंडीशन क्या ऑब्जर्व करता है. बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ की वजह से वहां पर लगता है वो क्या होता है, वो कैसा होता है गाइस, वो बेसिकली आपका इक्वल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स. तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा. सो इसी के साथ गाइज यहाँ पर मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ. कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में. और अगर आप चाहते हैं मैं और भी ऐसे मल्टीपल वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि अभी जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं, लाइक आपका कंप्यूटर का एग्जाम आ रहा है अगले मंथ में, रीट का एग्जाम आपका आ चुका है, रीट का एग्जाम होगा, तो ये सभी एग्जाम्स के लिए, बाकी जितने भी एग्जाम्स है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है. जहां पर भी साइंस का पार्ट आता है आपके एसएससी से लेके जितने भी एग्जाम्स है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है गाइस. तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखिएगा. चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.